दोस्तों गूगल में या यूट्यूब में जब आप सर्च कीजिएगा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह से कम करना है, तो आपके पास हजारों वीडियो आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि घर में आप कैपेसिटर लगा दीजिए, इससे आपका महीना में 500 या 1000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। घर में कैपेसिटर जब आप लगाइएगा तो इससे क्या फायदा है, इससे क्या बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर जितना सारा डाउट है आज आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। पहले आपको ये समझना है कि घर में हमारा बिजली किस तरह से आता है। इसके लिए देखिएगा, एक आपका ट्रांसफार्मर रहता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें आर वाई और बी सप्लाई देते हैं प्राइमरी साइड में। वोल्टेज रहता है 11000 और प्राइमरी में जो हमारा कनेक्शन रहता है वो रहता है आपका डेल्टा कनेक्शन। प्राइमरी साइड में 11000 देंगे और सेकेंडरी साइड में हमारा 415 वोल्ट आउट होगा। इस ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सेकेंडरी साइड में आपका स्टार कनेक्शन रहता है, किस लिए कि घर में हम लोग एक न्यूट्रल का जरूरत है, इसीलिए सेकेंडरी साइड में आपका स्टार कनेक्शन होता है। और फेज टू फेज जब आप चेक कीजिएगा तब आपको 415 वोल्ट मिलेगा, फेज टू न्यूट्रल चेक कीजिएगा तो आपको 230 वोल्ट मिलेगा। ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आपका आउट होके आ रहा है, इसके बाद देखिएगा घर में आने से पहले एक आपका सर्विसिंग लाइन रहता है। सर्विसिंग लाइन का जो आपका केबल रहता है इसमें आपका बिल्कुल भी कुछ कटआउट नहीं रहता है, कोई भी ज्वाइंट केबल नहीं चलेगा, नहीं तो आपको बिजली नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका सर्विसिंग लाइन आ रहा है ये आपका कहाँ पे आता है, डायरेक्ट आपका एनर्जी मीटर में आता है। एनर्जी मीटर में आपका एक न्यूट्रल रहता है, एक आपका फेज रहता है। इस जगह में आपका 230 वोल्ट एसी आता है और एनर्जी मीटर से 230 वोल्ट आउट होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। और इसके बाद हमारे घर तक, घर के अंदर में जो आपका मेन एमसीबी रहता है, एमसीबी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, घर में सेफ्टी के लिए। एमसीबी में हम लोग को दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है आपका शॉर्ट सर्किट। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। अभी ओवरलोड क्या होता है, एक ही घर में आपका 5 गो रूम है या 10 गो रूम है, इस हिसाब से आपका एक कैलकुलेशन होता है कि घर में हमारा लोड कितना है। घर में हमारा 25 एम्पियर लोड है तो 25 एम्पियर से ज्यादा जब होगा, मतलब ओवरलोड होगा, जैसे 30 एम्पियर हो गया या आपका 32 एम्पियर हो गया, तब ये जो एमसीबी है आपका ट्रिप हो जाएगा। शुरू में जब आपका एमसीबी बंद रहेगा तब आपका एनओ रहेगा, जब आपका एमसीबी ऑन रहेगा तब आपका एनसी होगा और घर के अंदर में जितना सारा रूम है सारा रूम में आपका सप्लाई पहुंच जाता है। अभी किसी भी घर में कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे सीलिंग फैन हो गया, 100 वाट का बल्ब हो गया, 18 वाट का ट्यूबलाइट हो गया, 9 वाट का एलईडी बल्ब हो गया, इंडक्शन हीटर हो गया या फ्रिज हो गया, या कोई वायरिंग के अंदर में शॉर्ट सर्किट हुआ, तब आपका क्या होगा, ये एमसीबी एक बार ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के बाद ये दोबारा एनओ हो जाएगा, किसी भी हाल में आपका सप्लाई आगे जाएगा नहीं। अभी के डेट में हर रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगा हुआ रहता है, कौन सा रूम में आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। अभी ये जो घर है, घर के अंदर में चाहे 5 रूम है या 10 रूम है, अभी हर रूम में आप फैन चला रहे हैं, ट्यूबलाइट जला रहे हैं या टेबल फैन चला रहे हैं या लाइट जला रहे हैं, तो कितना यूनिट आप बिजली यूज कर रहे हैं इसी को काउंट करता है कौन, ना एनर्जी मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी मीटर में कितना यूनिट बिल आया, मतलब आप कितना देर तक लाइट को जला के रखे हैं, कितना देर तक आप पंखा को जो है चालू करके रखे हैं। एनर्जी मीटर में देखिएगा, एक आपका लाइट दिया हुआ रहता है, जब आप कुछ भी नहीं चलाइएगा तो यह बहुत देर के बाद एक बार बंद होगा, एक बार चालू होगा। जब घर में सारा चीज आप चालू कर दीजिएगा तो ये जो लाइट है बार 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 देखिएगा अप डाउन होगा। इसी को देख के भी आप आराम से समझ सकते हैं कि हमारा घर में जो बिजली का बिल आएगा वो ज्यादा आएगा। अभी बिजली का बिल मीटर में हम लोग किस तरह देखते हैं, अभी के डेट में जितना भी मीटर है सब में देखिएगा KWH लिखा रहता है, और ये मीटर रीडिंग लेने के लिए जो आता है
उसको भी आप पूछिएगा तो क्लीन आपको समझा देगा। के डब्ल्यू एच का मतलब होता है किलो वाट आवर्स। अभी ये जो आपका एनर्जी मीटर है इसमें किस तरह से कैलकुलेशन होता है वो आपको अच्छा से समझना है, तभी आपको कॉन्फर्म हो जाएगा कि कैपेसिटर कब हमको लगाना चाहिए, कैपेसिटर कब हमको खोल देना चाहिए। एक यूनिट मतलब 1 kWh, ठीक है। अभी आपका 5 रूम है या 10 रूम है तो कौन कौन सा रूम में क्या चल रहा है इसका एक कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना देर तक हम चलाएंगे। अभी रूम में हमारा कितना वाट है, 1000 वाट हो गया। अभी 1000 वाट आप कितना देर तक चला रहे हैं, 1 घंटा तक जब आप कंटिन्यू चलाइएगा तभी आपका क्या होगा, 1 यूनिट बिजली बिल आएगा, ठीक है। अभी इस जगह में अगर आप 1 घंटा तक नहीं चलाते हैं, बीच में ही बंद कर देते हैं, मतलब 500 वाट हो गया, ठीक है। और 500 वाट अगर आप चला रहे हैं तो जब आप 2 घंटा तक चलाइएगा तब आपका 1 यूनिट आएगा, ठीक है। अगर इससे भी आप कम चला रहे हैं, सिर्फ एक बल्ब चला रहे हैं, मतलब 200 वाट है, ठीक है। और इसके साथ सीलिंग पंखा भी चला रहे हैं तब इसको आप 5 घंटा तक कंटिन्यू चलाइएगा तब आपका 1 यूनिट बिल बनेगा। अभी ये जो यूनिट है इसको कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ये मंथली भी कैलकुलेशन होता है, देखिएगा कोई कोई जगह में 3 महीने में भी बिल आता है, लेकिन जब बिल आएगा तो हर महीने में अलग अलग आता है। अभी इसका भी जो यूनिट है, ये जो आपका 50 यूनिट है इसका रेट कुछ अलग रहता है, जो आपका 100 यूनिट है इसका कुछ अलग है, 300 यूनिट का कुछ अलग है, इससे ज्यादा होगा तो उसका भी कुछ अलग है। जैसे 50 यूनिट हम ये जो मीटर है इसमें हमारा बता रहा है, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारा 1 यूनिट है 5 रुपया 50 पैसा, जब हमारा 100 यूनिट हो जाएगा तब हमारा हो जाएगा 6 रुपया 50 पैसा, जब हमारा 300 यूनिट हो जाएगा तब हमारा 7 रुपया 50 पैसा देके कैलकुलेट करेगा। ये जो कैलकुलेशन है इसी कैलकुलेशन से ही देखिएगा आपके घर में जो बिजली का बिल आता है इसी तरह से आता है, और जो आपका मीटर रीडिंग लेने के लिए आता है इसको भी आप जब पूछिएगा तो यही चीज आपको अच्छा से समझा देगा, ये 50 यूनिट क्या होता है, 100 यूनिट क्या होता है, 300 यूनिट क्या होता है। जैसे वो हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं ना कि एक मिनिमम बिल कितना है, इसके बारे में भी देखिएगा, उससे पूछिएगा तो आपको बता देगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि हमारा मंथली कितना बिल आएगा। अभी बात आता है कि इस जगह में जब हम कोई कैपेसिटर लगाए नहीं है तब हमारा कितना बिजली बिल आएगा, और जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तब हमारा बिजली बिल कम आएगा या ज्यादा आएगा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक आपको फॉर्मूला का जरूरत है, कौन सा फॉर्मूला, ये हो गया आपका वाट इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। इसी फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करके निकालना है एनर्जी मीटर में कितना यूनिट आपका खपत हो रहा है, मतलब कितना यूनिट का आपका बिजली बिल आएगा। अभी आपके घर में कौन कौन सा चीज देखना है, क्या हमारा वोल्टेज कितना है, ना वोल्टेज है हमारा 230, ठीक है, और एम्पियर कितना है, ना हमारा 25 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है। और घर के लिए भी एक पावर फैक्टर होता है ये एनर्जी मीटर में, आप दबा दबा के जब चेक करिएगा वो भी दिखाता है, देखिएगा कभी आपका जो पावर फैक्टर है 0.5 दिखाता है, कभी आपका 0.6 दिखाता है। तो यही चीज को आपको फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करना है। इस जगह में दोस्तों आपको वाट निकालना है, ठीक है, वाट निकालने के लिए हमारा वोल्टेज कितना है ना 230 है, ठीक है, और पावर फैक्टर कितना है 0.6, और जो एम्पियर है ये हमारा कितना है 25 एम्पियर है, ठीक है। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, इसके बाद आपको निकालना है कि हमारा टोटल घर का वाट कितना है, इस जगह में देखिएगा 3450 है, ठीक है। अभी ये जो वाट है इसको आपको यूनिट में बदलना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3450 डिवाइड बाय आपको 1000 देके करना पड़ेगा, तब देखिएगा जो आपका यूनिट होगा वो आ जाएगा आपका 3.450, ठीक है, एकदम बहुत आसान तरीका से समझ गए हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप लोगों के अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रखता हूं।
ये जो हमारा यूनिट आया, ये हमारा कब का यूनिट है, ये जो हम सिंगल फेज लाइन घर में यूज कर रहे हैं, ये सिंगल फेज का यूनिट आया। और जब आप कोई कैपेसिटर लगाए नहीं है, सिर्फ एक घंटा तक सीलिंग फैन, टेबल फैन, इंडक्शन हीटर, फ्रिज घर में चालू करके रखे थे, एक घंटा के बाद आपका बिल आया 3.450 यूनिट। अभी आपको और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको क्लीन समझ में आएगा कि अभी हम कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं लगाए थे, तब हमारा 3.50 यूनिट आया, अभी हम एक कैपेसिटर लगा दिए हैं, तब हमारा कितना आएगा। तो इसके लिए भी दोस्तों एक फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, वही वाट इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। लेकिन इस बार इसको लिखने का थोड़ा तरीका जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कैसे, हमको करंट निकालना है, जब आपका करंट निकलेगा तभी आपका ये जो कैलकुलेशन है क्लीन समझ में आएगा। अभी हम करंट निकाल रहे हैं, वाट हमारा तो मालूम है कितना वाट है, 3450। तो ये जो वाट है, वाट इस तरह से आपको लिख देना है, और वोल्टेज इनटू आपका पावर फैक्टर, बहुत ही आसान तरीका है। और आई मतलब आपका एम्पियर भी होता है, करंट भी होता है, बहुत आसान से। वाट हो गया 3450 और वोल्टेज हो गया हमारा 230 इनटू पावर फैक्टर हो गया। अभी आप कैपेसिटर लगा दिए हैं और कंटिन्यू एक घंटा तक चला रहे, इस चीज को बहुत अच्छा से याद रखिएगा। तो जब आप कैपेसिटर लगा दीजिएगा तो आपको पावर फैक्टर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए इस जगह में पावर फैक्टर लिख देता हूं 0.9। अब इस जगह में जो हमारा एम्पियर आएगा 16.66 एम्पियर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हमको याद था इसलिए मैं आपका लिख दिया। अभी ये आपका हो गया कैपेसिटर लगाने के बाद, और ये हो गया कैपेसिटर लगाने से पहले। अभी दोनों को क्या करना पड़ेगा, और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आपको क्लीन समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, सीधा सा बात है, फॉर्मूला जो है ये आपका सेम रहेगा, इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका वाट है, जैसे हम शुरू में निकाले थे 3450, ऐसा ही निकालना है। तो ये आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट है, ठीक है। और जो आपका एम्पियर है कैपेसिटर लगाने के बाद, यही एम्पियर आपको लिखना पड़ेगा 16.666। और इसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारा पावर फैक्टर है इसको भी आपको डालना है। पावर फैक्टर कितना है, 0.9। अभी इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा 3448.62 आ रहा है। ये क्या है, हमारा वाट है, ठीक है, इनटू यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 देकर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1000 देकर आपको डिवाइड करना है, तभी आपका क्या होगा, यूनिट आ जाएगा, तब आ जाएगा 3.448। अभी आपको इसको देख के ये पता चल जाएगा कि कैपेसिटर लगाने से हमारा क्या बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा कि नहीं आएगा। कभी भी कैपेसिटर लगाने के बाद सिंगल फेज का अगर लाइन रहेगा तो बिजली बिल आपका कभी भी कम नहीं आएगा। और अगर इंडस्ट्रियल में जब आप काम कीजिएगा, इस जगह में दोस्तों थ्री फेज रहता है, इसीलिए आपका क्या होता है, पावर फैक्टर आपका डाउन हो जाता है, और कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता, मतलब बढ़ाया जाता है। अभी जब आप थ्री फेज का कैलकुलेशन कीजिएगा तब भी एक फॉर्मूला है, √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव, ठीक है, कॉस फाइव मतलब हमारा पावर फैक्टर होता है, इसी फॉर्मूला से आपको निकालना है। √3 का मान जब बैठा दीजिएगा तो 1.732 हो जाएगा, इंटू वोल्टेज इस टाइम आ जाएगा 415, और पावर फैक्टर हो जाएगा 0.8। ये कैलकुलेशन करके ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूँ, एक बार नहीं दो वीडियो बनाकर समझाया। इसके ऊपर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।